आप देख रहे हैं ई7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कर्नाटक के मांडिया में पीएम मोदी का रोड शो, 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने कभी गरीब आदमी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि मोदी को गिराने का सपना देख रही है कांग्रेस। कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। मांडिया रैली में बोले, आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएंगे। हैदराबाद में सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने निसार में प्यूफल रेंज अर्जुन का किया उद्घाटन। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पोस्टर वार। बीआरएसएस की ओर से निर्मला सिंह चौधरी के बहाने भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी नेताओं को बचाने को लेकर तंज। पोस्टर में बीजेपी नेताओं के नाम भी लिखे गए थे। कानपुर देहात में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, भीषण आग में जलकर एक घर के 5 सदस्यों की मौत। झोपड़ी में लगी थी आग। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर आई बड़ी खबर। इन्फ्लुएंजा वायरस के 3,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने ली हाई लेवल की मीटिंग। राज्य को ऑक्सीजन और बेड तैयार रखने के निर्देश। मास्क लगाने की दी सूचना। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ई7 न्यूज।